अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये मलाई ब्रेड है, नो फायर रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मैंने आधा कप पानी और 1/4 कप चीनी ले ली है और उसको अच्छे से मैंने डिसॉल्व कर लिया है। 1 पिंच मैंने येलो कलर डाला है, उसको मिक्स कर लिया है। मलाई ली है मैंने 1 कप और इसमें मैंने ड्राई मिल्क ऐड किया है 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून शुगर। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर बादाम, पिस्ते और काजू तीनों बारीक कतरे हुए हैं 2 टेबल स्पून डालूंगी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये मेरे दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं और मैंने ब्रेड ली है बड़ी वाली और इसको कुप्पी की मदद से जो है बड़ा सा जो है मैंने सर्कल काट लिया है। कटर से छोटे बन रहे थे तो इसलिए कुप्पी का साइज़ बड़ा था, तो इसलिए मैंने ये देखिए कटर से छोटे हो रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने ब्रेड को अपने शुगर सिरप में डिप करना है और दोनों हाथों की हेल्प से स्क्वीज करना है बहुत आराम से, बहुत आस्तगी के साथ। उसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड जो हैं इसको शुगर सिरप में डाल के इसको अलग करके रख लेना है। जब ये स्टेप हो जाएगा तो अब आपने जो मलाई बनाई हुई है वो मलाई इसके ऊपर हमने स्प्रेड करनी है। यकीन कीजिए ये नो फायर रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। और जब आपके पास मेहमान आए हुए हों और बनाने का टाइम ना हो तो ये रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत कम चीज़ों में और बहुत ही कम टाइम में इसे कोई भी आसानी बना सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस स्टेज पर अगर वैसे भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सराहते रहिएगा। दोनों को मैंने एक साइड पर मलाई लगाई है और दूसरे वाला ब्रेड मैंने ऊपर रखकर अच्छे से दबा दिया है ताकि दोनों जो है आपस में चिपक जाएं। इसके बाद मैंने खोपरे का बुरादा लिया है और उसमें मैंने जो है अपने दोनों ब्रेड जो है रख दिए हैं, जो कोकोनट है उसके ऊपर स्टिक कर जाए, फिर मैं फ्लिप करूंगी। और ये आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी और चीज़ में भी इसको डिप कर सकते हैं, चॉकलेट के अंदर डिप कर सकते हैं, पर चूंकि ये अंदर से बहुत ही जूसी है तो इसके कोकोनट का फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इसके ऊपर सिरप जो है कोई भी वो भी स्प्रिंकल करके वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, या चाहें तो कर्नट मिल्क भी डाल के खा सकते हैं। और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे। आप चाहें तो उसके ऊपर चेरी, स्ट्रॉबेरी या कोई भी अपनी पसंद से फ्रूट डाल के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बनकर मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर ऐसी पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। मिलूंगी फिर रेसिपी के साथ। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।